हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आप कैसे अपनी ऑडियो को, गिटार को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आए और लोगों ने बोला कि इस माइक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, इसकी अनबॉक्सिंग करिए। तो देखिए, अनबॉक्सिंग करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पुराना माइक है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरी देखिए, आपको इस माइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये माइक कुछ इस टाइप के बॉक्स में आता है। अब चलिए देखते हैं कि इस माइक के साथ और भी क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ मिलती है एक ये मैनुअल, दूसरी चीज़ मिलती है एक ये यूएसबी केबल इसको कनेक्ट करने के लिए, तीसरी चीज़ मिलती है एक ये छोटा सा ट्राईपॉड माउंट, और चौथी चीज़ मिलती है ये छोटा सा एक नट इसको दूसरे स्टैंड में कनेक्ट करने के लिए। और फाइनली हमारा ये माइक्रोफोन, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक साइड है, और ये एक ब्लैक कलर के स्वाइवल पर अटैच्ड है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस माइक को कैसे सेटअप करना है और कैसे कनेक्ट करके रिकॉर्ड करना है। तो हम अपने माइक को उस छोटे से ट्राईपॉड में ऐसे टाइट कर देंगे और फिर यूएसबी केबल का ये वाला एंड हम लोग अपने माइक में कनेक्ट करेंगे और इसका जो दूसरा एंड है वो हम लोग अपने डिवाइस में कनेक्ट करेंगे। और अब ये माइक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार, यानी कि ये माइक जो है वो प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पे चलता है। बस आप डायरेक्ट प्लग करो और रिकॉर्ड करना शुरू करो। तो चलिए अब इसका मेन फीचर्स क्या है देख लेते हैं, और ये देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस माइक्रोफोन के अंदर 19mm का एक डायफ्राम लगा हुआ है, जो इस कवर के अंदर ये जो जाली सा मेटेलिक कवर दिख रहा है इसके अंदर प्लेस्ड है, और इसके नीचे आपको एक ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है। और इस ग्रीन लाइट को आप कम मत समझना, ये बहुत काम की है। कैसे, जब हमारे माइक में ग्रीन कलर की लाइट जल रही है इसका मतलब कि माइक हमारा सही से रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अगर आप माइक में बहुत तेज बोल दो या फूंक दो तो उसमें क्लिपिंग होने लगेंगी, जिसकी वजह से लाइट जो है वो रेड हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि भाई आपका जो साउंड है वो फट रहा है और आपका साउंड जो है सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश यही करिएगा कि आपकी लाइट जो है वो ग्रीन रहे। और इस माइक में आपको यहाँ पर एक छोटा सा 3.5mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा मॉनिटर करने के लिए। तो मॉनिटर क्या होता है, मान लीजिए आप अपना गिटार या अपना गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुननी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली हेडफोन अपना कनेक्ट कर दो, तो इससे आप जो प्ले कर रहे हो वो भी आपको सुनाई देगा और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है वो भी आपको सुनाई देगा। तो इसका बहुत अच्छा फायदा है। तो ये जो आवाज़ अभी आप सुन रहे हो वो मैं सीधा माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरे रूम में कहीं बाहर से हल्की हल्की नॉइज़ भी आ रही है, और मेरे रूम में थोड़ा सा इको भी है, इसलिए साउंड को और भी बेटर बनाया जा सकता है। अगर आपका रूम बहुत अच्छा है तो आपके रूम में और भी बेटर साउंड आएगा। और इस माइक का मैंने कुछ टेस्ट करा है मोबाइल फ़ोन पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। तो इस माइक के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। तो पहली चीज़ ये कि आपको जो फोम वाला बॉक्स मिलता है उसको आप फेंकी मत, उसको आप हमेशा खुद के पास रखें, क्योंकि मान लीजिए आप अपना माइक एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं करते हो तो आप उसमें आराम से उसको सेफ्टी के साथ रख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपका काम ख़त्म हो जाए रिकॉर्डिंग का, तो उसके ऊपर आप ये जो एक पॉलीथीन मिलती है उसको आप कवर करके और नीचे से बंद कर दो, ताकि इसमें कोई भी तरह का डस्ट या मॉइस्चर या कुछ भी ना जाए और आपका माइक जो है वो ज़्यादा दिन तक चले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने माइक्रोफोन में कभी भी फूंका मत करिए, क्योंकि फूंकने से क्या होता है कि माइक्रोफोन आपका बैठ जाता है और धीरे धीरे उसकी साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बहुत बार वो ख़राब भी हो जाता है, इसलिए कभी भी आप गलती से भी फूकिएगा मत। और एक बात और भी है कि इसमें शॉक माउंट और कुछ बड़े स्टैंड ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो आप अगर चाहो तो उसको अलग से देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये माइक प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, और इसकी खास बात यह है कि ये विंडोज़ में भी चलता है, मैक में भी चलता है, टैबलेट में भी चलता है, और मैंने फ़ोन में भी टेस्ट करा उसमें भी चलता है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।